हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुप्रीम स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे स्कूल का रजिस्ट्रेशन या एडमिशन फॉर्म कैसे भरें। रजिस्ट्रेशन फॉर्म और एडमिशन फॉर्म में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, हम उस दोनों डिफरेंस के बारे में बताएंगे और आपको ये कैसे भरना है ये भी बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, सभी के घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं और सभी के एक न दिन स्कूल में एडमिशन कराना होता है। और जब स्कूल में एडमिशन की बात आती है तो पेरेंट्स इस बात से घबरा जाते हैं, जो थोड़ा सा कम पढ़े लिखे होते हैं, कि स्कूल में एडमिशन फॉर्म जो मिलेगा वो हमें कैसे भरना है। तो चलिए, आज की इस वीडियो में यही लेकर आया हूँ। एक स्कूल हम एग्जाम्पल के तौर पर लिए हैं और स्कूल का नाम है किड्स केयर पब्लिक स्कूल, ठीक है। इसमें आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, इसी तरह से एडमिशन फॉर्म भी भरा जाता है। यहाँ पर आपको स्टूडेंट का एक पासपोर्ट साइज का फ़ोटो लगाना है। उसके बाद स्टूडेंट्स नेम इसमें आपको कैपिटल लेटर में भरना है, एक एक लेटर में। जैसे अमन कुमार नाम है तो ए इसमें डालना है, फिर एम डालना है इस एक बॉक्स में, एक बॉक्स में ए डालना है अमन, फिर एक बॉक्स छोड़ देना है, एक बॉक्स को छोड़ के फिर कुमार डालना है, के यू एम ए आर। उसके बाद आपको फादर्स नेम भरना है, मदर्स नेम भरना है, डेट ऑफ बर्थ भरना है, डेट मंथ ईयर्स, फिर इसी चीज़ को आपको वर्ड इन वर्ड में भरना है, डेट ऑफ बर्थ को, ठीक है, जो आपको जन्मतिथि प्रमाण पत्र पर होगा, जो बर्थ सर्टिफिकेट पर होगा। उसके बाद आपको कैटेगरी भरना है कि आप एससी कैटेगरी है, एसटी है, ओबीसी है या जनरल है। दोस्तों, जो भी चीज़ बता रहे हैं ये बेसिक जानकारी है। सभी के सभी एडमिशन फॉर्म कोई भी स्कूल का हो इसमें होता ही होता है। पोस्टल एड्रेस आपको भरना है, हाउस नंबर, वार्ड नंबर, सिटी, मोबाइल नंबर एंड पिन कोड। उसके बाद आपको नेशनली भरना है, आप इंडियन है या कोई अदर कंट्री से आते हैं। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन फॉर क्लास, यहीं पर एडमिशन, अगर एडमिशन फॉर्म रहेगा तो एडमिशन फॉर क्लास लिखा जाता है। तो बड़े बड़े स्कूल में पहले रजिस्ट्रेशन होता है एडमिशन से पहले, उसके बाद फिर से आपको एडमिशन फॉर्म दिया जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन फॉर क्लास या एडमिशन फॉर क्लास, यानी कि किस क्लास में आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं एडमिशन, जैसे क्लास वन में करवाना चाहते हैं तो वन, टू में करना चाहते टू। उसके बाद आपका मीडियम क्या होना चाहिए, हिंदी मीडियम होना चाहिए या इंग्लिश मीडियम होना चाहिए। फादर ऑक्यूपेशन, यानी कि आपके पिताजी क्या व्यवसाय करते हैं, डॉक्टर हैं, वकील हैं, इंजीनियर हैं, मजदूर हैं, क्या है, वो आपको यहाँ पर टाइप करना है, लिखना है। उसके बाद उनका एड्रेस लिखना है, आपको बैंक नेम लिखना है, बैंक अकाउंट नंबर लिखना है, ब्रांच, एफसी कोड, आधार कोड, SMS आईडी, इस तरह से आपको ये सारी चीज़ें फिल करना है। चाहे किसी भी स्कूल का एडमिशन फॉर्म हो, बस इतना ही लिखना। नीचे में आपको पेरेंट्स का या गार्जियन का जो है वो आपको यहाँ पर सिग्नेचर करवाना है। तो समझ के जा चुके होंगे, इसी तरह आपका कोई भी लोकल स्कूल होगा एडमिशन फॉर्म कैसे भरे बिल्कुल आसानी से भर सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।